जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय माता दी। आप सभी दोस्तों को, भाइयों को जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है तो मैं किसी काम से जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर आया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर का, जो कि टीबी स्पेशलिस्ट है। जब मैं पहुँचा तो पता लगा कि मैं बिल्कुल ठीक था। जीटीबी नगर में दोस्तों शास्त्री नगर होते हुए कमला नगर की तरफ जाएंगे, आज़ादपुर होते हुए राजपुरा मंडी की तरफ से गुजरते हुए किंग्सवे कैंप होते हुए हम किंग्सवे कैंप का चौक जो है वहाँ की रेड लाइट पार करते ही लेफ्ट हैंड पे राजन बाबू हॉस्पिटल है, जो कि टीबी के लिए स्पेशलिस्ट है। और दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टीबी के लिए, जो कि 50-70 एकड़ में फैला हुआ है। और दोस्तों, मैं ऊपर वाले परमात्मा से ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी ऑडियंस का, आप सभी दोस्तों का घर परिवार हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, और किसी भी प्रकार की विपदा आपके परिवार पर ना आए। तो मैं आज किसी काम से जीटीबी नगर आया था, तो मैंने कहा चलो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है सो आपके लिए तैयार कर देते हैं, क्योंकि समय का दोस्तों कोई भरोसा नहीं होता। समय जब बुरा आता है तो कभी कह के नहीं आता। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन अच्छी थी राजन बाबू हॉस्पिटल की, तो मैंने कहा आपके लिए आज एक व्लॉग तैयार करते हैं जो कि राजन बाबू हॉस्पिटल का है। ये देखिए, ये राजन बाबू हॉस्पिटल है, टीबी स्पेशलिस्ट है, और जो कि 50-70 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, इस हॉस्पिटल की ये खासियत है, सबसे पहली तो ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टीबी स्पेशलिस्ट में। और आप देखिए कि इसमें शुक्रवार को और बुधवार को ओपीडी लगती है। और ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ओपीडी की लाइन, जो कि आप ये एरिया देखिए पूरा फुल ऑफ ग्रीनरी से है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है राजन बाबू हॉस्पिटल का एरिया ये। और अभी हम आपको ओपीडी की लाइन दिखाते हैं कितनी है। अभी मैं आपको ओपीडी की लाइन दिखा रहा हूँ। तो गाइस, हमने एंट्री कर ली है। तो गाइस, हम अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहन लेते हैं। और ये देखिए ओपीडी की लाइन, पेशेंट
पेशेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, पूरी ऑफलाइन है। ये पूरी ऑपरेटिंग की लाइन है, वो देखिए। दोस्तों इस हॉस्पिटल की एक और ख़ासियत बताऊं आपको कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर का स्टाफ, डॉक्टर्स हों, एम्प्लॉय हों, सफाई कर्मचारी हों या किसी भी प्रकार का हेल्पर स्टाफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। ये देखिए, ये किंग्सवे कैंप चौक पे हैं और ये देखिए, ये इसका फ्रंट है राजन बाबू हॉस्पिटल का। राजन बाबू हॉस्पिटल का ये फ्रंट है। यहाँ पे आने में किसी भी प्रकार की आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सो गाइस, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये भी बता दूँ इस हॉस्पिटल की, ये देखिए, ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। राजन बाबू हॉस्पिटल में एंट्री करके आप राइट होंगे, राइट होके लेफ्ट होते ही फोर्थ कट से राइट है जो कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपकी जो भी आपको किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वो आपको इस वार्ड में मिलेगी। ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इस वार्ड में आपको जो रिपोर्ट इस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, गाइस, यहाँ जितनी ग्रीनरी है, आधी परेशानी तो, आधी बीमारी तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है इस ग्रीनरी को देखते देखते। ये देखिए, पिजन्स की आवाज़ चहचहाती हुई, देखिए। और ये आपका वार्ड है जहाँ आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिपोर्ट नहीं मिले तो आपकी यहाँ मिलेगी, इस वार्ड में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्योंकि यहाँ दोस्तों कई पेशेंट ऐसे हैं जो उनको प्रॉब्लम होती है रिपोर्ट लेने में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दें कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वार्ड है जीटीबी नगर में, जो भी आपको अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी हो वो आप इस वार्ड से कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आपको मैं एक और वार्ड दिखाता हूँ इसका। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों आपको एक और बात भी बताऊँ, इन्फॉर्मेशन दूँ कि इस हॉस्पिटल की एक और ख़ासियत है, जिस पेशेंट का थोड़ा लंबे टाइम इलाज चलता है, ये देखिए, ये देखिए, ग्रीनरी देखिए दोस्तों, ये देखिए, फैसिलिटीज़ देखिए, फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूँ कि जिस पेशेंट का थोड़ा सा टाइम लंबे इलाज चलता है, 6-8 महीने 10 महीने, उस पेशेंट के लिए घर का राशन फ्री है इस हॉस्पिटल में। आप घर का राशन ले सकते हैं। और जिसके साथ साथ जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके साथ उस पेशेंट को 500 रुपीज़ भी दिए जाते हैं। देखिए डॉक्टर दोस्तों, स्पेस देखिए आप, बहुत ही बढ़िया स्पेस। सो गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये देखिए, ये राजन बाबू हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रूम है। अभी मैंने आपको बताया था OPD 1 में आप पहुंचेंगे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके, उसके बाद आपको रिकॉर्ड रूम भेजा जाएगा।
तो रिकॉर्ड रूम में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिस रेफरेंस नंबर में आपका ऑल ओवर दिल्ली में कहीं भी आपका घर है तो आपके घर के नियर जो भी सेंटर होगा गवर्नमेंट का, आपको मेडिसिन वहाँ से मिलेगी। ये रिकॉर्ड रूम है, ठीक है दोस्तों। तो भाई अभी हम ये देखिए OPD बन के पास कर रहे हैं, ये OPD बन है। और OPD बन में दोस्तों आपको जो भी पेशेंट है किसी भी प्रकार का, तो इसमें आपको OPD बन पे आना है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन लिखेंगे इसमें आपको OPD बन में जाकर सिस्टर से साइन कराने हैं, और वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो कि आप अपने नियर जो भी आपका एड्रेस है दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह पे आपका एड्रेस हो तो OPD बन से आप रेफरेंस लिखवाएंगे, एक नंबर देंगे आपको ये। उसके बाद आपके नियर जो भी आपका एड्रेस होगा उस नियर एड्रेस में आपका सेंटर जो होगा गवर्नमेंट का, आपको वहाँ पे मेडिसिन मिलेंगी जो कि हॉस्पिटल की तरफ से ही मिलेंगी आपको मेडिसिन। तो प्लीज़ गैस आप ध्यान रखिए, OPD बन के पास आपको वो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो गैस अभी हम देखिए मृतक घर के सामने हैं, हमारे जी मृतक घर के सामने हैं। देखिए मैंने कोशिश की है कि आप सभी को राजन बाबू हॉस्पिटल TB स्पेशलिस्ट जो TB हॉस्पिटल है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाओ। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचे। तो दोस्तों मैं आपसे अभी अलविदा चाहूँगा, दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके इन्फॉर्मेशन काम की हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।